प्रेस के माध्यम से मैसेज होता है। प्रेस मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो सभी व्यवस्थाओं को जनता तक बताती है। संविधान के मुताबिक हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। 1931, 1941, 1961 में गिनती हुई थी, हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हमारे नाम को पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल के मेरे साथ अन्याय किया गया। 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल के नोटिफिकेशन जारी कर दिया राज्यपाल को। उन्हें पावर है पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन 1994 धारा 13 में। अगर हमें निकाल गया और दूसरी नई सूची है तो पिछड़ी की नई सूची बनाएगा। हमें अनुसूचित में गिनती होनी चाहिए, लेकिन इस हमें अनुसूचित वाली में गिनती होनी चाहिए। हमें पिछड़े में डालकर हमारे साथ अन्याय नहीं किया जाए। और ये जो हमारा संविधान में गिनती हुआ था 31, 41, 61 में, उसी अनुसार हमें आगे भी गिनती होनी चाहिए। और इसके लिए हमें आरक्षण के विषय पर इसलिए हम हैं कि गिनती जब हमारी अनुसूचित में होगी तो हमारा आरक्षण मिलेगा। और उसके लिए हम एक सिस्टम के माध्यम से हमने किताब लिखी है, लोगों को बताया है। आरक्षण के मुद्दे पर कुछ भविष्य लोग हमारे यहाँ समाज में हैं कि भाई देखो, सपा ने हमारे आरक्षण के मुद्दे पर जब सदन में आवाज़ उठाते हैं विश्वम्भर जी भाग जाती है, मतलब वो नहीं चाहती है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। बसपा स्टे लेती है, कांग्रेस फाइल गायब कराती है। अब भाजपा में रहकर समाज के कुछ नेता गांव में जाके कहते हैं कि भाई आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है, गंगा जल जो है दिखवाते हैं कि आरक्षण, तो किसको दिलाओगे आरक्षण? हाथी से कि पंजा को दिलाओगे? आरक्षण लेना है तो मोदी योगी के पास है। और इस तरह से आरक्षण मिलेगा जैसे अपर कास्ट को सताया कांग्रेस और बसपा सपा ने, उन्होंने धोखा दिया तो लोगों ने उनको खिलाफ कहा नहीं, भाजपा को ला, भाजपा को सत्ता में लाया, अपर कास्ट को आरक्षण आया। महिलाओं को भी लोगों ने धोखा दिया, महिलाओं ने भी सोचा कर यार महिलाओं को भी सपा बसपा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, महिला भी एक मुश्त वोट दे दी भाजपा को, आज जो है मोदी जी उनको मतलब आरक्षण। तो मेरे लोग भी अब एक अभियान के तहत सपा बसपा कांग्रेस को हराओ, उनको हराने का एहसास कराओ और मोदी को एक मुश्त वोट देकर जिताओ, और मोदी को एक बताओ कि भाई हमारे वोट से आपने जीता है और उन लोगों ने धोखा दिया है, आप हमारा विशेष महिला सम्मान किया है, अपर कास्ट का दिया, वैसे निषादों का लिखा हुआ संविधान परिभाषित करके हमें भी दे दिया। आपने सरकार से मांग की है कि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में भी है। मैं तो 2015 से की बात है जनगणना हो, संविधान के मुताबिक हो, संविधान में लिखा हुआ जो जातियाँ जहाँ हैं वहाँ गिनती हो, जिसके साथ अन्याय हुआ उसे न्याय के साथ गिनती हो। इस तरीके का गिनती नहीं हो कि अनुसूचित में रहने वाले पिछड़ी में गिन दो, अनुसूचित में रहने वाले का पुकारू नाम को जाति बना दो। विलियम कुक के रिपोर्ट के अनुसार 1931 में जो जनगणना हुई थी, वो विलियम कुक ने रिपोर्ट दिया था कि लेदरमैन कौन है, वाशरमैन कौन है, फिशरमैन कौन है, क्राफ्ट्समैन कौन है और मिल्कमैन कौन है। तो वो 1931 में जनगणना हुई है तो उसके अनुसार ही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि देखो बिहार में क्या है, मिल्कमैन ने अपना इकट्ठा गिनती करा लिया और कहते इतना परसेंट है, सब पर भारी हैं। वहाँ देखो एक तो एग्रीकल्चर मैन बैठे हैं, उन्होंने कुर्मी के इकट्ठा करा दिया और निषादों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीमा रायकवाट नावता तुराया तीयर चाई बनपर को नोनिया को अलग अलग 2.1% दिखा दिया, आधा आधा परसेंट। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। हम अगर कम्युनिटीज है, जो अब संविधान ने कम्युनिटी दिया है फिशरमैन का, तो उसमें आप उपजातियों में बांटने वाले कौन होते हो? जब संविधान में कम्युनिटी दी है लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन का, तो फिशरमैन को अलग अलग बांट कर टुकड़े में राजनीति करना ठीक नहीं है। इसलिए हम उसको कहा कि भाजपा में कोई विभीषण है, उस विभीषण से आपको क्या समस्या? हमें कोई समस्या नहीं है, मैं तो संदेश वाहक मित्र हूँ। भगवान राम ने मित्रता ली निषाद राज से, रावण राज खत्म हुआ। अगर माननीय मोदी जी योगी जी हमें मित्र के रूप में निषाद राज के एक वंशज को गले लगाए हैं, तो एक कुलभूषण हो निषाद राज का, मैं चाहता हूं कि वो त्रेता का हमेशा वो सम्मान रहे। लेकिन जो विभीषण है कि भाजपा में रहकर ही भाजपा का वोट खराब करते हैं, भाजपा में रहकर 2014, 2017, 2022 में अलग वोट डलवाए, कमल के चुनाव चिन्ह को हटा के दूसरे को डलवाए, आज फिर कहते हो कि वोट नहीं तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? किसको वोट दिलाओगे आप भाई? आपके पास कोई पार्टी नहीं है, आपके पास कोई दल नहीं है, तो क्या बोला हाथी साइकिल को नहीं लाओगे भाजपा से नाराज करा के? मैं देखा ना घोसी में कि 43 गांव में 3 गांव में वो नेता पहुंच गए, अब वहां जाके कह दिया भाई प्रोफाइल लेंगे आप भाजपा से, केंद्रीय सुरक्षा लेंगे भाजपा से, भाजपा के सदस्य भी रहेंगे और यहाँ भाजपा के ही मेंबर रहेंगे, और जाके उस गांव में कहेंगे वोट नहीं, गंगा जल दिलवा के यहाँ खिलवाएंगे कि वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं दिया तीन हार गए और 40 गांव में समझा लिया भाजपा को जिता गया। इसीलिए भी में
भाजपा की हार की सबसे बड़ी कारण आरक्षण नहीं है? नहीं, मालूम आरक्षण से नहीं है, गोष्ठी में तो चेहरे पर वोट